हेलो तो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोगों ने खाना वगैरह बना दिया है। आज खाया नहीं अभी भी और जल्दी बना दिया था क्योंकि आज हमने ब्रंच बनाई हुई है तब करके। और आज हम जा रहे हैं शादी में भोलेनाथ की। सच में जा रहे हैं, मजाक के बाद में लक्ष्य जा रही है। मैं अकेले जा रही हूँ, मतलब बाद में बताऊँगी पूरी स्टोरी क्या क्या आई है ये वो क्योंकि आप लोगों को नहीं तो ऊपर से जाएगा क्या बोल क्या रही हूँ मैं, ठीक है। सो तक यहाँ पे इतना क्यूट सा छोटू जैसा कुकर है, ये देख लो बस इतना सा ये है। वैसे ये 3 लीटर का शायद मुझे लगता नहीं है, पर ये 3 लीटर का होगा। 3 लीटर का होता है इतना सा क्या? नहीं होता है, नहीं है 3 लीटर का यार, ये मेरे ख्याल से 2.5 लीटर का होगा ये, या फिर 2 लीटर का अगर कुकर होता होगा तो 2 लीटर का होता होगा, पता नहीं। बट ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है मेरे को क्योंकि ऐसे और भी है यहाँ पे, मतलब कि क्योंकि 2 आदमी के लिए इतना काफ़ी है। बड़ा भी है कुकर, ऐसी कोई बात नहीं है, बट छोटा ज़्यादा कन्वीनियंट है। हमारे पास सिड्डू भी रहे हुए हैं, रोहित सिड्डू खाएगा, मैं चावल खाऊंगी। सिड्डू क्योंकि मैं को उतने ज़्यादा पसंद नहीं है, सिड्डू मेरे को सिर्फ मेरी मम्मी के हाथ के पसंद है, जो कि इतने ज़्यादा मेरी मम्मी बुआ सब ऐसे ही सिड्डू बनाते हैं, ठीक है। दादी ने मस्त ट्रेन करके रखे हैं। पापा भी अगर बनाने पे आए ना, पापा भी वैसे ही सिड्डू बनाएंगे, मतलब इतने ज़्यादा मस्त ना। अभी तो गाइज मैं हो गई हूँ तैयार, अभी बज रहे हैं 12 और साथ में थोड़ा बहुत काम है वो भी करने हैं, फिर उसके बाद में जाऊँगी मैं सीधे नानी के घर। और अब सीधे जब नानी के घर को पहुँच जाऊँगी या फिर जाने वाली होंगी तो उसके बाद मिलूँगी आप लोगों से, ठीक है। गाइज तो ये वाले रास्ते में ना मैं इतने ज़्यादा टाइम के बाद आ रही हूँ, एटलीस्ट 2-3 मंथ्स के बाद, क्योंकि जब नबूरी का रूम हुआ करता तब इस रास्ते से आया करती थी, पर अब मैं दूसरे रास्ते से आती हूँ, इन गलियों से आज मैं आ रही हूँ काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के बाद। पर मेरा फ़ोन ऐसे नहीं हो रहा है ना, भाई तो मैं सुंदर तो लग रही हूँ क्योंकि शादी में जा रही, तो यार सुंदर तो लगना बनता है। मम्मी का प्रकोप बेहद ज़्यादा, हे भगवान मर के जा रही हूँ मैं तो। नानी के घर जा रही हूँ, रास्ते में वो भी काफ़ी ज़्यादा चलने के लिए, और मैं एक स्टोरी बताती हूँ आज क्या हुआ। घर पहुँच गई हूँ, भाई ऊपर बकरी है शायद, दिख नहीं रही हूँ, देखो 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 कौन आया? अभी नानी के घर पहुंच गई हूँ और उधर बकरी है छोटी सी, देखो दिख रही होगी तो छोटी जैसी मैं मना है। नमस्ते, हेलो छोटे सास्ते, नमस्ते, हेलो छोरे, हेलो छोरे। अरे नानी के घर पहुंच के इतना सही फील हो रहा है ना, ओ भाई मैं आप लोगों को बता रही थी ना कुछ चीज़ बताने वाली हूँ, तो जहाँ मैं मेरी ना चप्पल टूट गई तो फिर मैं मोची अंकल के वहाँ पे गई, तो नॉर्मली पैसे तो लगते हैं ना 100-150 रुपये तो लगते हैं चप्पल वाले को अगर सिलाने के लिए दे दे, तो मेरे माइंड सेट था कि मैं 100 बोलूँगी और उन्होंने मेरे से सोचो कितना बोला, ओनली 25 रुपये। सो अभी नानी के घर में बैठी हुई हूँ मैं, और हाँ तो हाँ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताती हूँ जो कि आज किसकी शादी है बेसिकली। यहाँ पे तो यहाँ पे ना ऐसा होता है कि जो शिव जी और पार्वती की शादी को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, मतलब कि इस महीने शादी हुई होती है, तो ऐसा है कि एक घर में पार्वती रखी जाती है और एक घर में शिव जी, ठीक है, मतलब मूर्ति बनाते हैं बेसिकली।
और वो ऐसे नहीं, मतलब एक्चुअल में लोग जैसे अपने बच्चों की शादी करवाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही होता है वो। तो धाम भी होगी, मतलब हल्दी मेहंदी ये वो जो भी सब कुछ होता है, सब कुछ होगा, ठीक है। और इसके लिए ना पूरे मतलब जो पैसे का जुगाड़ होता है वो सब मतलब एरिया में सबसे डोनेशन मांगते एक तरह से, ठीक है, धाम के लिए। और ये फंक्शंस होते हैं, फिर आज मतलब शादी है, आज शादी होके बाद इसको नीचे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे नदी जो है वहाँ पे प्रवाह देंगे, मतलब उन मूर्तियों को, ठीक है। तो इस तरह से होती है शादी वगैरह, और बहुत ज़्यादा अच्छे से शादी सेलिब्रेट होती है। लास्ट नाइट तो कीर्तन भी हुआ होगा यहाँ पे, और तो बस मैं इसीलिए आई हुई हूँ यहाँ पे, शादी वगैरह, इस शादी की बात कर रही थी मैं, जिसको कि रैली बोलते हैं, इतना ही मेरे को पता, जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। और बाकी तो खाना वगैरह खाएंगे आए। सो गाइस, अभी हम लोगों ने मेहंदी भी लगा ली है यहाँ पे, वंदना जी हमारे क्योंकि ना हम लोग अभी मेहंदी, बहुत ज़्यादा टाइम है अभी क्योंकि रली को निकलने के लिए, समझ लो बारात निकलने के लिए, ठीक है, तो उसको निकलते टाइम था, तो मैं सोचा मेहंदी लगा लेते क्योंकि इन्होंने लगाई थी, तो मैं कब मैं भी लगा लेती हूँ कल क्योंकि मेहंदी थी, तो फिर मैंने भी लगवा ली। और अभी बहुत ज़्यादा टाइम है उसको निकलने के, अभी हम पहले पेट पूजा करेंगे फिर उसके बाद निकलेंगे। वापस नानी के घर से, मतलब अभी जा रही हूँ, और पोपट हो गया मेरा आज, सबसे बड़ी बात। हाँ तो मैं बता रही थी कि पोपट हो गया क्योंकि जो रली बेसिकली जो है वो कल है। यार मेरा मुंह अब जाके खुल रहा है, ठीक है, ऊपर से चल रही थी ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा लोग मिल रहे थे, तो फ़ोन एकदम से, एक तो ऐसे पकड़ा हुआ था, इतने से भी तो बात हो नहीं रही थी, ऊपर से बंद कर रही थी फिर, तो फिर मैं बता रही थी कि पोपट हो गया बहुत ज़्यादा बड़े वाला, क्योंकि था तो फंक्शन आज भी, बट जो मेन फंक्शन है जो दरिया में जो प्रवाहते हैं वो जो सिस्टम है वो कल होने वाला है, नानी ने मेरे को आज गलत बुलवा दिया, पर अच्छा हुआ, जो भी होता अच्छे के लिए होता है। मज़े तो काफ़ी आया भाई, मैंने वो दिखाया आपको शिव जी कैसा लग रहा था ना, सुंदर लग रहा था। जस्ट अभी अभी पहुंची हूँ मैं यहाँ पे, जस्ट कपड़े ही बस, इतनी हालत खराब, थक गई। हेलो गाइस, सो आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, यूट्यूब वाले ऐसे ही बोलते हैं ऐसा कभी नहीं बोलेंगे हेलो गाइस कैसे हो। सो गाइस, लक्ष्य ने लिए बर्गर लाया है क्योंकि मैं बर्गर, मेरे को बर्गर बहुत पसंद है, बर्गर और पिज्जा, आई लाइक। हम सस्ते आदमी, हम तो ये खाएं जेम्स जेम्स। सो इसी के साथ करती हूँ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड, और आई होप एंजॉयिंग द ब्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय।